आपसे जब मैं पहली बार मिला तो आप जितना खुलेपन से मिले, क्योंकि इससे पहले जब मिलते रहे तो एक प्रोटोकॉल की जो दीवार बनी रहती थी, उतना ही मिलना, यहाँ बैठना, इतनी दूर बैठना, वो कुछ नहीं था। ये स्वाभाविक रूप से बहुत ही अच्छी बात थी और हमारे सारे मेंबर्स ने ये महसूस किया और उसकी तारीफ भी। जहाँ तक के इस सदन की बात है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ बात होती है तो सब लोग सैद्धांतिक रूप से कहते हैं कि मैं सहयोग करूँगा, मैं सहयोग करूँगा, मैं सहयोग करूँगा, और कल आप देखेंगे बहुत सारे लोग सहयोग नहीं करेंगे। कारण ये होता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो जन आकांक्षाओं के खिलाफ होते हैं, या तो गवर्नमेंट के आदेश या फैसले या कोई बिल जो आ रहे हैं उनमें ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो आम लोगों के हितों को एडवर्सली प्रभावित करने जा रहे होते हैं। तब जनता, जिनके हम प्रतिनिधि हैं, उनकी अपेक्षा होती है कि हमारी बात को यहाँ बैठे वो लोग कहें, और अगर इजाज़त नहीं दी जाएगी तो ये साइलेंट नहीं बैठ सकते, और साइलेंट बैठेंगे तो वो कल हमसे कहेंगे हमारे हितों के खिलाफ जब कानून बन रहे थे तो आप क्या कर रहे थे हाउस में। ये मजबूरी विपक्ष के लोगों की समझने की आवश्यकता है सबको। इसलिए मैं आपको बधाई तो देता हूँ, स्वागत करता हूँ, लेकिन ये आपसे वादा नहीं करता हूँ कि सदन में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। अगर जनहित के खिलाफ कोई बात होगी तो निश्चित रूप से होगा। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।